me, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. Oh, hi friends, welcome back to our channel. मैं हूँ मोमिन वर्ल्ड. कैसे हैं आप सब? होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे. और हम भी स्वस्थ मस्त हैं. बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. काफ़ी टाइम हो गया है, मैं मम्मी के घर पे हूँ अभी. और ऑलमोस्ट अ मंथ मैंने व्लॉग नहीं शूट किया कुछ भी, और कोई व्लॉग नहीं आया. बीच में एक दो ऐसे मायका के चुटपुट से वीडियोस डाले थे मैंने, बट प्रॉपर व्लॉग नहीं था. और क्यों नहीं था? क्योंकि मैं मेडिकली अनफिट थी, मेरी एक सर्जरी हुई है, जिस वजह से मैं अभी मम्मी के घर पे हूँ. मेरी जो सर्जरी है वो हो चुकी है, इवन स्टिचेस भी मेरे रिमूव हो गए हैं कल. और अच्छा, आज जो है, आज मंडे है, 28th of December है. तो मैंने सोचा व्लॉग बहुत दिन हो गए नहीं बनाए, अब मैं थोड़ा फिर ठीक फील कर रही हूँ तो एक व्लॉग बना लेती हूँ. आज मुझे डॉक्टर विजिट के लिए भी जाना है, मेरे कल ही स्टिचेस रिमूव हो चुके हैं. और अब मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते. काफ़ी दिन हो गया व्लॉग नहीं बनाए हैं. इस बीच मैंने थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से व्लॉग मायका के डाले थे, पर वो बस ऐसे ही रैंडम डाल दिए थे. तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं. अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो मैं लंच करूँगी. और अब मैं नॉर्मल लंच करती हूँ, जो पहले जो लिक्विड डाइट थी वो ख़त्म हो गई है. मेरा अच्छा किसका, मेरा एक्चुअली सर्जरी जो हुई है वो है भी है गॉल स्टोन की, तो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है. तो वो सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से मैं इतने दिनों ब्रेक पे थी. और अभी मैं मम्मी के यहाँ पे हूँ, थोड़े दिनों यहीं स्टे करूँगी और उसके बाद फिर अपने घर जाऊँगी, जब तक प्रॉपर तरीके से फिट ना हो जाऊँ. सो फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह के 11 बज रहे हैं. और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर विजिट के लिए, डॉक्टर के पास. तो ये उस वक्त के क्लिपिंग्स हैं. और अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, इसके बाद थोड़ा फ्री होके मैं जाऊँगी अपने घर, कुछ सामान लेना है. तो क्योंकि मैं विंटर का इतना ज़्यादा सामान लेके नहीं आई थी, और अब ज़्यादा ठंड होने लगी है, तो कुछ कपड़े जो रहते हैं वहाँ पे सर्दियों के वो लेने हैं. फिलहाल मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अभी. गाइस वेलकम बैक अगेन. आज है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के अभी बज रहे हैं, यहाँ पे देखो अभी तक घड़ी नहीं आई है, क्योंकि मेरे जस्ट ऑपरेशन के लिए मैं चलेगी ना, तो ये सब कुछ ऑर्डर वर्डर करना सब कुछ रह गया. तो कितने बज रहे हैं अभी? बज रहे हैं 12:30 दोपहर के. मैं डॉक्टर के यहाँ से आ चुकी हूँ, डॉक्टर के को दिखा के, और अब मुझे उनके पास नहीं जाना है, हो गया मेरा फाइनल वहाँ से. और मैं अब क्या आई हूँ, अपने घर आई हूँ. थोड़ा सा मुझे एक्चुअली कपड़े लेने थे, फिर यहाँ से वापस मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी थोड़ी देर में. मायका के एक्चुअली शूज़ लेने थे और उसकी कैप लेनी थी, तो मैं अपने घर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, और कुछ ग्रॉसरी आइटम भी लिए है. अरे थोड़ा वीकनेस आ रही, कमजोरी आ गई है. ये देखिए, ये कुछ सामान लिया है घर का, तो वो भी रखना था. अब मैंने सीज़र ले लिए और पौधों को देख रही थी. ये देखिए, कुछ पौधों की हालत ख़राब सी है, ख़राब है पौधों की हालत. थोड़ा दिखाती हूँ, पीछे सही है सब कुछ, यहाँ पे आगे कुछ थोड़ा ख़राब है, दिखाती हूँ आपको. ये वाला पौधा ख़राब हो गया है, ये भी थोड़ा सूख गया है. इसमें एक्चुअली 2 लगे हुए, तो ये वाला तो ठीक है, फ्लावर है इसमें. तो इसकी जो है कटिंग कर देती हूँ, क्या पता दोबारा जी. देखो कौन सी पेपर कटर से काट रही हूँ मैं. तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ. तो यहाँ के देखिए, मैंने सारे फूल काट दिए हैं, और इसमें कुछ बर्ड्स आई हुई है, तो इसको अभी होने देंगे. बाकी तो सब बढ़िया. आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा गुलाब का पौधा. आई इसमें पता नहीं क्या है, ये खिल नहीं रहा है. क्लियर अच्छे से पिक्चर आ रही नहीं आ रही, पता नहीं.
तो ये देखते हैं। और एक इसमें भी बर्ड्स आ रही है, बाकी तो ठीक है। इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज है नेक्स्ट डे, यानी कि ये ब्लॉग 3 दिन से चल रहा है। मैं रोज़ नेक्स्ट डे बोल रही हूँ। तो कल मैं डॉक्टर के यहाँ विजिट करके आई, उसके बाद अपने घर गई थी थोड़ा सा वहाँ शूट किया, और अब मैं वापस अपनी मम्मी के यहाँ आ गई हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और डे आज है वेडनेसडे। और हम छत पे हैं, धूप तो नहीं आई इतनी खास, लेकिन फिर भी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सन बाथ, मतलब मैंने नहा लिया लेकिन फिर भी सन बाथ ले रही हूँ, तो ऐसा है। और आज मैंने फ़र्स्ट बाथ लिया है, जब से मेरी सर्जरी हुई तब से आज फर्स्ट डे है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ तो ऐसा है, काफ़ी दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। मम्मी है, मैं, माही, भवी छत पे हैं, और कुछ नहीं, फ्रूट्स खा रही हूँ। खाएगा? इसमें बबू भी आ रहा है ना, खाएगा? मैं तो ऑरेंज दिखाऊंगी, खा लो ना। आप खा लो। खा लो ना, इससे भी गोरे होते हैं। अरे इससे भी गोरे होते हैं। आप खा लो। Softly spoken, with no strings tying you to me. मेरा गिफ्ट है ये, सेंटा क्लॉस का। सबको ये गिफ्ट मिलेगा। माय का गिफ्ट पकड़ो अपना। अच्छा मेरे पास एरोप्लेन है। दो और दो गिफ्ट सेंटा क्लॉस। इसमें क्या है? Gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब छत में धूप सेक रही हूँ, और साथ में पढ़ रही हूँ ये 41 कहानियों का संग्रह है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है, उनके द्वारा लिखी रचित है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ना, स्पेशली हिंदी। इंग्लिश भी पढ़ती हूँ कभी कभी, लेकिन हिंदी में फील आता है इसलिए हिंदी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर, ये प्रतिशोध बहुत अच्छी स्टोरीज़ है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ी तो एक बार ट्राई कीजिएगा। और सब कुछ अब तो है नहीं, बस एक यही है कि साहित्य है जो रह गया, बाकी तो सब जो है धुंधला हो गया है। इंडियन कल्चर कुछ ऐसा चेंजेस आ गए इंडियन कल्चर में कि वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, पर जो हमारा साहित्य है ये अभी भी हमारे पास है। तो मैं मतलब मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा जो है बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। स्टोरीज उसमें भी मिल जाती हैं, और मतलब नॉवेल्स भी मिलते हैं, बट मैं ई बुक से ज़्यादा पसंद करती हूँ ये हार्ड कॉपीज़ जो होती हैं। तो ये एक प्राश्चात स्टोरी है, इसको भी अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए कितने टाइम पहले लिख दिए, लेकिन आज भी ये स्थिति बनी हुई है।
तो बस वही दिखा रही हूँ आपको, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो ये लाइंस पढ़ सकते हैं। ये स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे भी। तो ऐसा है, और धूप सेक रही हूँ। धूप में देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, सर्दियों की धूप है, मूंगफली है और स्टोरी बुक है, तो ये एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी और बहुत बहुत अच्छी लग रही थी धूप। तो सर्दियों की धूप, मूंगफली और स्टोरी बुक, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो बस मैं भी यही इंजॉय कर रही हूँ। और बुक्स पढ़ने लगी थी मैं, तो साथ में ना मम्मी को भी इंटरेस्ट आ गया, तो ये मैं हंस रही थी इस तरह से पढ़ते पढ़ते, तो मम्मी को इंटरेस्ट आ गया। मम्मी बोल रही कि क्या इतना अच्छा लिखा है बुक में जो इतना मुस्कुरा रही है, तो मम्मी भी ताका झाकी करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी को स्टोरी सुना देते हैं। तो अब मैं मम्मी को यहाँ पे स्टोरी सुना रही हूँ, जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो स्टोरी मैं यहाँ पे सुना रही हूँ उनको, और मम्मी भी इंजॉय कर रही हैं। और ये पीछे का जो आवाज़ आ रही है, ये मैं अभी छत में बैठ के इसकी वीडियो ऑडियो एडिट कर रही हूँ, तो मम्मी जो हैं पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। तो अब मम्मी भी ठाके मार रही है मेरे साथ, क्योंकि बुक में लिखा ही कुछ ऐसा था कि बहुत अच्छी कथा, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। अब इतनी शुद्ध हिंदी भी मुझे नहीं आती तो ये डिस्क्रिप्शन जो दिया था स्टोरी का बहुत अच्छा था, इसलिए मैं हंस रही थी, मम्मी को वैसे ही आ रही थी। तो मम्मी को स्टोरी सुना रही हूँ मैं, और कुछ ऐसा ही रहा मेरे ये 2-3 दिन जो मैं आपको दिखा रही थी। होपफुली अब व्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ एंड करूँगी, मिलूँगी आपको एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और बस इतना ही था ये 3 दिन की कहानी। और होपफुली जो आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे, कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली जिस शेड्यूल में मैं डालती हूँ, मतलब मैं डेली तो नहीं डालती, पर हाँ वीक में 1-2 ब्लॉग्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो चलिए आपको इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ, इस स्टोरी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड हाँ हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर आने वाला है ना।